नॉक करके फिनिश कर दिया, वहां पे फ्रॉस्ट ने पीएसके खान और पीएसके वुल्फ को नॉक कर दिया, तो काफी सारे फाइट्स हम लोग को एक साथ देखने को मिल रहे हैं। स्नैक्स ने यहाँ पे टीम केओ के विशेष को नॉक करके फिनिश कर दिया व्हीकल एक्सप्लोजन से। एंड गाइस यहाँ पर एक और स्क्वाड एलिमिनेट हो चुका है, दैट इज टीम नॉकआउट। एक स्पार्क भी शायद यहाँ पर एलिमिनेट हो सकता है, अभी उन लोगों का सिर्फ एक ही बंदा आई थिंक बचा था, गॉड लाइक एंटोनियो। उधर आई माजिक को एक हेडशॉट दिया, किकी ने फ्रोस्ट यहाँ पर कंप्लीट कर चुका है। 38 37, एक एक करके बंदे यहाँ पर कम रह रहे हैं एक एक करके, लेकिन टीम्स अभी भी बचे 13, सिर्फ तीन टीम डाउन हुए हैं। एंड यहाँ पर टी एक्स इधर डाउन हो चुका है, रौनक तो उधर टीम एक्स ऑल्सो 13 नंबर पोजिशन में डाउन होता है। क्रॉन्टेन का बहुत ही बढ़िया बैरल का स्प्रे इधर सामने से नॉकआउट कर चुका, अभी थोड़ा कवर में जाने की कोशिश, सामने इधर होल्ड करके बैठा है पीएस का स्क्वाड, पीएस के ऊपर एक और नेड आ चुका है। एंड सॉल्टी एजे को उधर एंटिटी न्यू नॉकआउट कर चुका है, क्रॉन्टेन यहां पर पुश करने की कोशिश, एंड यहां पर क्रॉन्टेन ने पेस खान को क्लियर आउट कर चुका है। उल्फ के ऊपर चलते हैं, उल्फ को यहां पर क्लियर आउट करते हैं दक्ष, बहुत ही बढ़िया स्क्वाड वाइप फ्रॉम गॉड लाइक। गॉड लाइक से सिर्फ की नॉक हुआ है, रिवाइव हो जाएंगे। ऊपर देखोगे तो अपने टीममेट्स को आई थिंक उन्होंने कॉल दे दिया होगा, एंड क्रॉन्टेन ने वहां पे सॉल्टी के वीक कैश को नॉक करा है, तो देखना पड़ेगा गॉडेल और सॉल्टी के बीच में जो फाइट होता है। एंड यहां पे स्लेयर ने नोवा को नॉक कर दिया एटीजी ब्रॉलर्स के साथ, कीकी ने वीक कैश को फिनिश कर दिया, एंड क्रेटोस ने कीकी को नॉक कर दिया, एंड आईएनडी के स्लेयर ने नोवा को फिनिश कर दिया, ट्रांस ने आइकॉनिक को फिनिश कर दिया। अभी चारों तरफ फाइट्स हो रही है, अभी इधर बहुत मुश्किल होने वाला है आईएनडी के लिए, क्योंकि आईएनडी जब रोटेशन मारेगा तब मैड डॉग पीछे से तो बैक स्टेप करेगा। दिस इज द टाइम फॉर मैड डॉग कि पीछे से एक दो बंदे अगर वो गिरा देता है अपने टीम के लिए एक दो किल निकाल पाएगा। हियर कम द स्प्रे फ्रॉम मैड डॉग, स्लेयर को ऑलमोस्ट 10 HP छोड़ चुका है, एंड एम फोर लगाकर स्प्रे करते हुए स्लेयर वहां पर बहुत ही कम HP से निकल चुका है। एंड गाइस वेट नाउ डाउन टू टॉप 8 टीम में लेके आ गया, कुछ तो पोजिशन पॉइंट ऊपर उधर आएगा, दैट्स लिटरली बहुत ही ओपी है इस पोजिशन में, क्या बोलते हो आप? तो यहाँ पे मैड डॉग को स्पॉट कर लिया गया, एंड इनको यहाँ पे एंटिटी के जॉनथन ने फिनिश कर दिया मिनी से, क्योंकि अपना जो गन का साउंड उन्होंने दे दिया तो उसका जो फायदा उठा लिया है टीम एंटिटी ने, तो यहाँ पे एंटिटी को एक फ्री किल मिलता हुआ एंड ना आता है, लेकिन डेडली ये क्लोक हो सकता है क्योंकि उसके पास घीली एंड लेवल 3 का नया हेलमेट वेस्ट मिल चुका है। मेगा एक्स के पैराडॉक्स को उसका नॉकआउट कर चुका है, इसका किल शायद कोई और चुरा लेगा। एंड उधर कार्टून को भी स्पॉट कर चुका है, लेकिन क्लोक को पीछे से एंटिटी ने डैमेज दिया था, लेकिन कार्टून्स ने वो नॉकआउट कर चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ एंटिटी के पास जोन है, बाकी सारी टीम्स को रोटेट करना है, एंड ऑलरेडी टीम एमएक्स के दो प्लेयर्स नॉक हो चुके हैं, स्नैक्स ही अकेले बचे हैं, एंड स्नैक्स तो अभी भी डेफिनेटली उनको रिवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कार्टून्स का जो स्प्रे आ सकता है लेफ्ट की तरफ से उनको पीछे से पड़ सकता है। एंड देखते हो ये होने वाला था, एंड इसी के साथ पैराडॉक्स को फिनिश करा था डेफिनेटली, बट ट्रांस ने यहाँ पे आईएनएस कार्टून्स को वाइप आउट कर दिया है। अभी टीम आईएनडी भी जोन के अंदर जाने की कोशिश जरूर करेगी, अभी टाइम आईएनडी को भी जोन के अंदर जाना पड़ेगा, लिटरली ज्यादा दूर तो नहीं है जोन, लेकिन जोन को जाने के टाइम पे इधर ट्रांस को नॉकआउट करते हैं, दलजीत उसे गॉट नॉकआउट, सिर्फ क्रेटोस बचा है, क्रेटोस गाड़ी से नहीं जा रहा था। एंड उधर ये क्रेटोस अपने टीममेट को रिवाइव देने की कोशिश करेगा, तो मुश्किल हो सकता है, अगर सामने से स्नैक्स को वो कंप्लीट कर देता तो उसको एक किल पॉइंट भी मिलेगा एंड एक पोजिशन पॉइंट भी ऊपर आ सकता है। लेकिन यहां पर जोन बन चुका है, 7 नंबर सर्कल क्लोज हो रहा है, बहुत ही ज्यादा डैमेज देने वाला है सर्कल। आईएनडी से सिर्फ क्रेटोस बचा है, मेगा एक्स इधर स्नैक्स, उधर सॉल्टी मेगा एक्स के स्वैग को उधर क्लियर आउट करते हुए क्रेटोस, क्रेटोस अपने टीम के लिए एक और किल निकाल चुका है। महम के बंदे वहां पर जो नॉक था वो उड़ चुका है, सॉल्टी नीवा ने उधर डाउन करते हुए, आईएनडी का स्क्वाड इधर ब्लीड आउट क्लियर आउट हो चुका है, क्रेटोस को इधर मेगा एक्स के स्नैक्स ने क्लियर आउट कर चुका है। स्नैक्स को यहां पर इस पोजीशन में नया हेलमेट वेस्ट मिला है, दैट्स गोना बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर हिम ब्रो, क्या लगता है आपको? बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है ये चीज तो, बट जो जोन का जो डैमेज है काफी ज्यादा हो रहा है, टीम MYM ने पूरा स्पॉट कर रखा है MX के स्नैक्स को, एंड अभी आई थिंक फायर लेने की कोशिश करेंगे, एंड MX के स्नैक्स देख सकते हो हल्का सा बचे हुए, थोड़ा सा अगर लगेगा तो वो डेड हो सकते हैं, बट यहाँ पे बचते हुए तो अगर नेड अगर ओक में कवर बना रखे, बट उनको चारों तरफ से स्प्रे आ रहा है, एक तो एंटिटी वाले उनके ऊपर प्रेशर दे रहे क्योंकि उन्होंने एक बंदे को नॉक करा था, एंड अमन ने यहाँ पे वैम्पायर को नॉक कर दिया, नोवा ने यहाँ पे अमन को नॉक कर दिया, तो MYM और एंटिटी के बीच में अभी थोड़ा सा फाइट देखने को मिल रहा है सभी। उधर सॉल्टी से एक ही बंदा बचा है, नीमा एंड मेगा एक्स स्नैक्स, एंड यहां पर नोवा को नॉकआउट करते हैं जोनाथन, बहुत बढ़िया स्प्रे फ्रॉम जोनाथन, घातक उसे गॉट नॉकआउट बाय क्लोक एंड महम का पूरा स्क्वाड डाउन, एंड उस साइड पे स्नैक्स ने उधर सॉल्टी नीमा को भी डाउन कर चुका है, तो एंटिटी राइट नाउ 2v1 सिचुएशन फॉर देम। मेगा एक्स स्नैक्स वहां पर अपने टीम से सोलो सर्वाइव बचा है, नियो वहां पर कवर देने की कोशिश कर रहा है, जोनाथन इधर घातक को रिवाइव दे रहा है, इस पोजीशन से एंटिटी का चिकन डिनर लेने का चांस मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो लोग तीन बंदे के साथ बचे हैं, एंड मेगा एक्स के स्नैक्स के ऊपर अगर ध्यान दे चुके उसके
पास कुछ हीलिंग नहीं है, यस उसके पास कुछ हीलिंग नहीं है, वो हील नहीं कर पाएगा, लेकिन उसका बहुत ही बढ़िया स्प्रे था जोनाथन के ऊपर, जोनाथन को उसको नॉकआउट किया था। लेकिन यहाँ पर एनटीटी गेमिंग ने पहला मैच का चिकन डिनर यहाँ पर ले चुका है। जी जी टू टीम एनटीटी गाइस।